morning students, last time we had studied types of energy. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे multiple choice questions. Please write the correct answers. First, in which of the following activities work is said to be done? तो कौन सी activity है जिसमें work हुआ है? Sleeping, eating or playing football? The correct answer is playing football. Second, what is the ability to do work called? जो work करने की ability है उसको क्या कहते हैं? Force, energy or friction? Answer is energy. Simple machines. A simple machine is a device that makes our work easier and faster. Simple machine क्या होता है? वो एक device होता है जो कि हमारा work easier and faster बनाता है. Scissors, knives, tweezers and tongs are some examples of simple machines. तो simple machine के कुछ examples दिए हैं जैसे कि scissors, knives, tweezers and tongs. Simple machines are of different types. अलग अलग type के होते हैं simple machines. Levers, wheel and axle, pulley, wedge, inclined plane and screw. तो यहाँ पे ये जो आप dark black color से देख रहे हो सारे names, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस टाइप के सिंपल मशीन होते हैं. तो यहाँ पे पहले आप पिक्चर में देख सकते हो, और लीवर इज शोन. वो जो वुड आप देख रहे हो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मैन है वो हैवी वेट को इजीली उठा पा रहा है. तो वो जो वुड का स्टिक है, पीस है, वो क्या हो गया? लीवर. स्क्रू आप देख रहे हो. पुली, तो पुली है वो जो कुआ होता है, वेल होता है, उसमें से पानी निकालने में हेल्पफुल होता है. उसके बाद आप एक्स देख रहे हो, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, तो एक टाइप का वेज मशीन है ना. वेज क्या होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे. उसके नीचे के पिक्चर में आप इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन है उसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो एक स्लोपिंग प्लेन, स्लोप होता है, ढलान होती है, वो इंक्लाइंड प्लेन है. उससे भी हम जो भारी चीज़ें हैं उनको इजीली उतार सकते हैं या चढ़ा सकते हैं. फिर है व्हील एंड एक्सल. तो कार है, उसके टायर्स हैं, वो एक रोड मींस एक पाइप से जॉइंट होता है. तो ये क्या है? व्हील एंड एक्सल. लीवर. You must have seen that we can easily open the tin cap of a soft drink bottle using a bottle opener. तो soft drink bottle जो होती है उसके ऊपर जो tin का cap लगा होता है उसको हम bottle opener से easily खोल सकते हैं. उसी को अगर आप हाथ से खोलने की try करें या किसी और तरीके से खोलने की try करें तो बहुत difficult होता है, but bottle opener से easily open हो जाता है. Similarly, We can lift heavy objects using a rod. अगर कोई बहुत भारी चीज़ है तो उसको हम एक रोड मीन्स एक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्टिक जैसा है, राइट? तो उसको रोड कहते हैं. तो उसकी हेल्प से हम उसको इजीली उठा पाते हैं. The bottle opener and the rod are examples of a lever. तो ये जो bottle opener है और रोड है वो दोनों क्या है? वो लीवर के examples हैं. A simple machine that turns around a fixed point is called a lever. तो ऐसा simple machine जो कि किसी एक point पे turn होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? Lever. A lever helps us to do work by applying less force. Lever क्या करता है? वो हमें help करता है कि हम कम force apply करके भी work कर पाए. This makes our work easier. इससे क्या होता है? हमारा वर्क इजी हो जाता है. द टर्म्स रिलेटेड टू अ लीवर आर लोड, एफर्ट एंड फुलक्रम. तो लीवर है उसके उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो थ्री हैं, लोड, एफर्ट एंड फुलक्रम. फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड लोड. जिसको हमें उठाना है, जिस थिंग को या जिस थिंग पे वर्क करना है उसको लोड कहते हैं. लोड का मीनिंग है जो हैवी है, वजन जो है वो. सेकेंड, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ लीवर टू लिफ्ट और मूव द लोड इज कॉल्ड एफर्ट. जहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को उठाने की ट्राई कर रहे हैं तो उसको एफर्ट कहेंगे, जिसके लिए ई लिखा जाता है. थर्ड, द फिक्स्ड पॉइंट ऑन विच अ लीवर टर्न्स इज कॉल्ड फुलक्रम. जहाँ से लीवर टर्न होता है उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फुलक्रम. आप पिक्चर में देख सकते हो जो पत्थर है
उसको लौट कहा है जहाँ से वो मैन उसको उठाने की ट्राई कर रहा है, उसको F1, और बीच में जहाँ से वो स्टिक है वो मूव हो रही है उसको फलक्रम कहा है। क्लासेस ऑफ लीवर्स, देर आर मेनली थ्री क्लासेस ऑफ लीवर्स डिपेंडिंग ऑन द पोजिशंस ऑफ लोड, एफर्ट एंड फलक्रम। लीवर है उसके मेन थ्री क्लासेस होते हैं, उसकी पोजिशंस कहाँ पे है लोड, एफर्ट और फलक्रम की, उससे डिसाइड होता है कि लीवर का कौन सा क्लास है। फर्स्ट फर्स्ट क्लास लीवर, इन फर्स्ट क्लास लीवर्स फलक्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। तो जो फर्स्ट क्लास लीवर्स होते हैं उसमें फलक्रम जो है जहाँ से मशीन टर्न होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लीवर आर क्रोबार, सीसो, अ पेयर ऑफ सीजर्स, स्पून एक्सेट्रा। तो लीवर है फर्स्ट क्लास लीवर, उसमें क्या क्या आता है? क्रोबार, जैसे हम अभी पिक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पे वो क्रोबार, सीसो जो आप प्ले करते हो गार्डन में कि दोनों साइड एक एक चाइल्ड बैठता है, और फिर आप जिसको ऊंचक नीचक भी बोलते हो तो वो प्ले करते हो, वो सीजर्स है वो और स्पून है वो। ये सब क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर, क्योंकि उसमें क्या है लोड एक कॉर्नर पे है, एफर्ट एक कॉर्नर पे और फलक्रम बीच में है। देखो सीसो दिखाया है, उसमें सीसो जहाँ से टर्न होता है वो फलक्रम बीच में, एफर्ट एक साइड एंड लोड एक साइड। वैसे ही सीजर्स है, उसमें भी ऐसा ही है, लोड मीन्स जिस पेपर को कट करना है वो कॉर्नर में है, जहाँ से सीजर पकड़ेंगे हम ट्राई करेंगे वो एक कॉर्नर में है, और जहाँ पे सीजर मूव होती है जहाँ से टर्न होती है वो फलक्रम बीच में है। वैसे ही स्पून में जहाँ पे हम जो भी फूड लेंगे वो लोड है वो एक कॉर्नर में है, जहाँ से हम स्पून को पकड़ते हैं एफर्ट करते हैं वो एक कॉर्नर में है, और जहाँ से स्पून मूव होगी वो फलक्रम बीच में है। सेकेंड क्लास लीवर, इन सेकेंड क्लास लीवर्स लोड इज इन बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट। फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड रहेगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास लीवर आर व्हील बैरो, नट क्रैकर, बॉटल ओपनर। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए? सेकेंड क्लास लीवर। देखो व्हील बैरो है, उसमें जहाँ से व्हील बैरो टर्न होता है तो वो व्हील है वो सबसे आगे है फलक्रम, जहाँ से वो बॉय उसको पुश कर रहा है ले जा रहा है वो एक कॉर्नर में है, और लोड जो थिंग्स वो उठा रहा है वो बीच में है। बॉटल ओपनर को देखो तो उसमें भी ऐसा ही है, जिस बॉटल का कैप खोलना है वो बीच में है लोड, जहाँ से हम उसको पकड़ के ट्राई करेंगे ओपन करने की वो एक कॉर्नर में है, और जहाँ से बॉटल ओपनर मूव होता है वो फलक्रम कॉर्नर में है। नट क्रैकर में भी ऐसा ही है, जहाँ से नट क्रैकर है मूव होता है वो कॉर्नर में, जिस नट को हमें क्रैक करना है वो बीच में आएगा लोड, जहाँ से हम नट क्रैकर को पकड़ेंगे वो कॉर्नर में है एफर्ट। थर्ड क्लास लीवर, इन थर्ड क्लास लीवर्स एफर्ट इज इन बिटवीन फॉलक्रम एंड लोड। ओके, थर्ड क्लास लीवर में क्या हो जाएगा? जो एफर्ट हम करते हैं वो फॉलक्रम और लोड के बीच में आएगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड क्लास लीवर आर फोर्सेप्स, नाइफ, स्टेपल मशीन, आइस टॉन्ग्स एक्सेट्रा। तो लेट्स सी, देखो फोर्सेप दिखाया है, तो फोर्सेप में फलक्रम कॉर्नर में है। अब हम फोर्सेप को पकड़ते कहाँ से है? बीच में से, इसलिए एफर्ट बीच में, और जिस थिंग को हमें उठाना है या वर्क करना है जिस पे वो लोड कॉर्नर में। वैसे स्टेपल मशीन को देखो, स्टेपल मशीन मूव कहाँ से होगी? कॉर्नर से। उसको पकड़ेंगे कहाँ से? बीच में से, और जो पेपर जिसको हम स्टेपल करना चाहते हैं वो सबसे आगे आएगा। आइस टॉन्ग्स, तो आइस टॉन्ग्स में देखो जो आइस हमें उठाना है वो एक कॉर्नर में है, जहाँ से आइस टॉन्ग्स मूव होते हैं वो दूसरे कॉर्नर में है, और हम आइस टॉन्ग्स को जहाँ से पकड़ते हैं वो बीच में है। पुली, इट इज़ डिफिकल्ट टू लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल।
अगर हम एक वेल में से एक भरी हुई बकेट हमें वाटर की निकालनी है तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यू कैन डू दिस इजीली बाय यूजिंग अ पुली। बट अगर हमें उस वेल में पुली लगी होगी तो हम ये वर्क बहुत इजीली कर सकते हैं। अ पुली कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ मेटल और वुड विथ अ ग्रूव कट अलोंग इट्स रिंग। अ रॉप पासिस अराउंड द ग्रूव, द ग्रूव प्रिवेंट्स द रॉप फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द डिस्क। द पुली रोटेट्स अबाउट एन एक्सल फिक्स्ड टू अ सपोर्ट। तो अब इसमें कैसा है कि पुली है वो किसकी बनी है? एक सर्कुलर मीन्स एक राउंड डिस्क होती है मेटल या वुड की, और उसमें ग्रूव, ग्रूव यानी उसमें बीच में रस्सी रह सके उतना स्पेस होता है। उसकी रिम मीन्स उसकी जो किनारी है उसके पास एक ग्रूव होता है, मीन्स एक जगह होती है जिसमें हम रस्सी को रख सकते हैं। तो रॉप है वो ग्रूव में से पास होगा, फिर ग्रूव है वो क्या हेल्प करेगा, वो जो जगह है वो क्या हेल्प करेगी, डिस्क है वो स्लिप होकर गिर नहीं जाएगी, पुली है वो रोटेट होती रहती है, जो एक्सेल उसको सपोर्ट कर रहा है, जो एक पाइप जैसा रोड जैसा होता है जो उसको सपोर्ट करता है, वहाँ पे पुली है वो रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ पुलीज, सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। तो पुलीज है वो टू टाइप्स की होती है, सिंगल फिक्स्ड और सिंगल मूवेबल। फिक्स भी हो सकती है या मूव कर सके ऐसे भी हो सकती है। फर्स्ट सिंगल फिक्स्ड पुली। अ फिक्स्ड पुली हैज़ अ फिक्स्ड एक्सल। तो एक्सल का मतलब क्या है? एक्सल मीन्स एक रोड या पाइप जैसा जो होता है वो। तो फिक्स्ड पुली है उसका एक्सल फिक्स्ड होता है। अ रॉप पासिस ओवर द पुली। रॉप है वो पुली के ऊपर से पास होता है। लोड इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉप एंड एफर्ट इज अप्लाइड एट द अदर एंड। लोड है वो एक एंड पे रॉप पे, हमने लोड यहाँ पे क्या है पहले, यहाँ पे लोड है वो बकेट। तो बकेट है वो रॉप से बंधा हुआ एक एंड से, और दूसरे एंड से हम उसको खींचेंगे तो वो एफर्ट हो गया। अ फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो फिक्स्ड पुली है उससे क्या होगा, जो लोड है उसका डायरेक्शन बदलेगा, यानी पहले बाल्टी वेल में होगी और वहीं बाल्टी है वो फिर हम खींचेंगे तो वो ऊपर आएगी। दिस टाइप ऑफ पुली इज कॉमनली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स इन विलेजेस। जो विलेजेस हैं वहाँ पे वेल से पानी निकालने के लिए इसी टाइप की पुली का मोस्टली यूज होता है। सिंगल मूवेबल पुली। मूवेबल पुली हैज़ अ फ्री एक्सल, दैट इज द एक्सल इज फ्री टू मूव। इट इज़ यूजली यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अ फिक्स्ड पुली। तो मूवेबल पुली में क्या होता है, वो जो पाइप जैसा जिसको हम एक्सल बोलते हैं, वो एक्सल है वो फ्री होता है, वो मूव हो सकता है, और ऐसी पुली है उसको फिक्स्ड पुली के साथ यूज़ किया जाता है। वी आर कीपिंग टिल हियर। हम इसके आगे का जो भी पोर्शन है चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। डू कीप रिवाइजिंग सो दैट आप भूल नहीं जाओ, ये सब कॉन्सेप्ट न्यू हैं तो आपको रिवाइज करना है उनको, सो दैट जो भी मैंने समझाया है वो आपको याद रहे। थैंक यू।